चलो अभी एक बार सेक्शन का डिस्कशन करते हैं। कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55A, ये सेक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो बताओ, आज सुबह आप मेरे साथ थे, कोई बात नहीं। आज सुबह जिन्होंने किया होगा ना, जिन्होंने तो आज मैंने गिफ्ट का ही, गिफ्ट के बारे में बताया, और कोई आज जो अब जो बताने वाला हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है सुबह के सेशन से। अगर आप सुबह का सेशन बाद में भी करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है गिफ्ट से। गिफ्ट वाला जो पार्ट था उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपने वो सेशन नहीं भी किया है तो भी कोई इशू नहीं है, आप ये वाला सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55A, ठीक है, सेक्शन 45 to 55A। चलो पहला सेक्शन क्या बोलता है, कब को इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। सेक्शन 45 हमने देखा था, सेक्शन 45(1) हमने देख लिया था। ये क्या बताता है, जनरल चार्जेबिलिटी को बताता है। फिर दूसरा सेक्शन क्या था, सेक्शन के साथ बताओ बस, देन आई एम अटेंडिंग लाइन। यस यस यस, कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आपने सुबह नहीं देखा ना उसका कोई कनेक्शन नहीं है अभी वाले से, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से सुबह वाला बाद में देख लेना, ठीक है, बट देख जरूर लेना। छूट गया तो छूट गया, ऐसा होता है, फिर देख जरूर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गिफ्ट पे कमांड हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। चलो जी सेक्शन 45(1) अगला चार्जेबिलिटी, ना 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 ना, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन की हेड बतानी है आपको। सेक्शन 45(2) वो क्या है बताओ, सेक्शन 45(2) ये क्या है। सॉरी, सेक्शन 45(2) बोलो बोलो या 45(1A भी तो है, वेरी गुड। इंश्योरेंस वाला, अगर आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है ड्यू टू फोर रीजन, और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, वेरी गुड, ठीक है ना, चलो बढ़िया। फिर सेक्शन 45(2) क्या है, सेक्शन 45(2), वेरी गुड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सेक्शन 45(3) के पहले आता है आपका 45(2A, ठीक है, ये होता है डीमैट से रिलेटेड। बाद में बताऊंगा मैं, यहां लिख देता हूं, डिस्कस लेटर, मतलब इसी में, इस सेशन में करेंगे, आज के में नहीं, हो सकता है कल के सेशन में डिस्कस होगा इसका, ठीक है, डीमैट बताऊंगा ये क्या होता है, ये टेंशन बिल्कुल ही मत लो। फिर सेक्शन 45(3) और सेक्शन 45(4), ये तीनों सेक्शन विल डिस्कस लेटर, विल डिस्कस, ठीक है। हेलो, चलो अभी आ रही है आवाज, हाँ, तो सेक्शन 45(5) क्या है, सेक्शन 45(5) अभी आ रही है आवाज, सेक्शन 45(5), सेक्शन 45(5) यस, सेक्शन 45(5), अभी तो 46 पे आने में टाइम है, 45 तो कंप्लीट कराओ पहले। सीक्वेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम, ताकि तुम्हारी ग्रिप रहेगी सारी चीजों पर। सेक्शन 45(5), कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है, यस। फिर सेक्शन 45(5A, दैट इज JDA, JDA का बेनिफिट जो आपको मिलता है। फिर आता है सेक्शन 46(1), 46(1) क्या है, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बट नॉट टैक्सेबल फॉर कंपनी,
ठीक है ना। देखो कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स के बदले असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब असेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं किया। बोले यार कंपनी वैसे ही लिक्विडेट हो रही है, उससे क्या रिकवर होगा, अगर कमा रही होती तो लिक्विडेट होती ही नहीं, नहीं कमा रही है तभी तो लिक्विडेट हो रही है, इसलिए इससे कुछ नहीं मिलना, इसको छोड़ दो। तो 46(1) में मना कर दिया है कि कंपनी के हाथों में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 46(2) लिक्विडेशन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को अगर असेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऑन लिक्विडेशन, तो उसके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो 46 के बाद क्या आता है, सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या बोलता है, सर्टेन ट्रांजेक्शंस विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, मतलब सर्टेन ट्रांजेक्शन है जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अरे हाँ, 46A बाईबैक भूल गया मैं, सेक्शन 46A बाईबैक। थैंक यू जूही, बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। डोमेस्टिक कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी के हाथों में टैक्सेबल होता है, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन 47, सेक्शन 47 के बाद क्या आता है, सेक्शन 48। बताओ भैया सेक्शन 48 क्या है। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, तुम सबको मजा आ रहा है ना, मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन रेशियो पे काम करता हूं मैं यार, पहले ही बोल रहा हूं। तुम्हें एक को भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे बोलना, फोन करना भाई, तुम मुझे एक को भी डाउट नहीं आना चाहिए, रिलैक्स चिलो के जिंदगी जीनी है यार, लोड नहीं आना चाहिए। अभी अपने को बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, अभी तो गुटखा बनाना है, मेन काम गुटखा है, बहुत बहुत मेहनत करनी है सबको मिलके अपने को, तभी अपनी लाइफ आसान होगी। आज की मेहनत उस समय काम आएगी जब एग्जाम दिन के दिन बैठे होंगे ना, तब तो आप बोलोगे सर मजा आ गया, वो मेहनत नहीं की होती ना तो आज सुकून नहीं होता, तो वो मेहनत करनी है अपने को। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। फिर आता है, मैं कोर्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उस दिन के पीछे भाग रहा हूँ कि जिस जिस दिन उस एग्जाम के दिन तुम बैठे हो ना तो तुम्हारे यहाँ पे सुकून हो यार, कि साला उस टाइम अपन ने टाइम कर दिया, मेहनत करी, आज एक सुकून की कंडीशन में है। मैं वो दिन देख रहा हूँ तुम्हारा, मैं आगे के बीच के दिन नहीं देख रहा हूँ। क्या होता है, मैं कोर्स के पीछे भागू तो कोर्स तो खटाखट खिंचा दूंगा, लेकिन उस दिन तुम रो रहे होंगे यार क्या हो गया यार, DT में तो परेशान हो गए, वो नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए। सेक्शन 48, सेक्शन 49, वेरी गुड, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वेरी गुड। सेक्शन 50, सेक्शन 50, अरे जूही सही बोला था आपने, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 50, आदित्य भी बोल रहा है एज कंपेयर टू पीजी भी इजी लग रहा है, इजी है चैप्टर, इजी है बट बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, अच्छे से फ्रेम करके चीजों को पढ़ा जाए ना तो आसान ही लगता है। बस ये हो गया, ये तुम्हारा कैपिटल गेन का मैंने क्या बोला, जिस दिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया उस दिन समझ लो 90% हो गया, तो ये हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं। अब कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, और डेप्रिशिएबल असेट्स वो जो WDV के बेसिस पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। सेक्शन 50A, 50A में क्या है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स बट SLM, जहां पर SLM लगता है, पावर जनरेटिंग यूनिट वाला, याद करो मैंने बताया था वहां पे। फिर आता है सेक्शन 50B, ये अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, दिस इज स्लम सेल, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, स्लम सेल, ठीक है ना। टू बी डिस्कस, यहां लिख दो टू बी डिस्कस, जो भी करना है टू बी डिस्कस, ठीक है, जो भी डिस्कस करना है। सेक्शन 50C, 50C बताओ, 50C, 50C बताओ। सेक्शन 50C,
वेरी गुड, एसडीवी, एसडीवी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रूल था, सेलिंग प्राइस का 110% से भी अगर एसडीवी ज्यादा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपका एसडीवी ही ले लिया जाता है। चलो वेरी गुड, 50D, सेक्शन 50D, बोलो भाई 50D, भूल गए ठाकुर, भूलने नहीं दूंगा। तुम सेक्शन भूल जाओ ये हो नहीं सकता, बोला था ना डे वन पे बोला था, तुम मैं सेक्शन ना बोलू ये हो नहीं सकता, तुम सेक्शन भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बोलो सही बोला था नहीं बोला था, मैं सेक्शन ना बोलू ये हो नहीं सकता, तुम सेक्शन भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे वाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो अब तो तुम मेरे से एडवांस हो गए हो यार। अब तुम मेरी एरर निकाल रहे हो, वाह। सेक्शन 50CA, यस मैं भूल गया था। FMV इन केस ऑफ अनकोटेड, FMV इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर। खुशी मिलती है यार जब तुम ऐसे बताते हो तो मुझे। यस सेक्शन 50D, सेक्शन 50D। आदित्य क्या हाल है भाई, तुमसे यार बात ही नहीं होती है, कहां रहते हो तुम? मैं आया था एक दिन तुम्हारे वहां पे, उधर भी ये सेशन अभी सुबह सुबह है ना, तो इसीलिए। बाकी अब अगली बार से तो वहीं अपन प्रॉपर वहीं पे प्लान करेंगे सारा। यस, फिर अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, वेरी गुड, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, FVOC, बिल्कुल ठीक बात है, कंसीडरेशन FVOC नॉट डिटर्मिनेबल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब सेक्शन 51 मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है, ये है एडवांस फॉरफिटेड, बताऊंगा इसे, एडवांस फॉरफिटेड, ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं, वो अलग से बता दूंगा, अभी आज तो नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, टू बी डिस्कस, ठीक है। सेक्शन 52, 53 डिस्कस करते हैं अपन बाद में, और फिर आता है सेक्शन 54 क्या होता है आपका, एग्जेम्पशन, जिसकी मैं बात करता हूँ, तो थर्ड पड़ाव 54 की सीरीज बोलेंगे अपन, क्योंकि 54 अकेला नहीं है, 54 एक सेक्शन है, 54B, 54EC, 54F, तो मैं एक सीरीज बोल रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये होता है एग्जेम्पशन, ठीक है ना, आपको कब, ये थर्ड पड़ाव है, ठीक है ना, जो मैं आपको कराऊंगा, मैंने कहा ना ये तो छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। और फिर आता है सेक्शन 55, सेक्शन 55 वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, और सेक्शन 55A रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है। ये चलो जी, ये आपका मामला कंप्लीट, सारा कंप्लीट हो गया। तो अपने को देखना क्या क्या है, चलो सेल्फ जनरेटेड, हाँ बराबर है, सेक्शन 55 में आपका सेल्फ जनरेटेड बोनस, राइट अनाउंसमेंट और ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स आ जाता है। चलो जी आगे चलो, एक इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपको बताई देता हूँ फटाफट से, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है। देखो सबसे जो मेजर पार्ट कंपटीशन में टाइम लगा था अपने को, मेजर जो हिस्सा टाइम लगा अपने को कंपटीशन में लगा, बस किस तरीके से कैपिटल गेन का कंपटीशन होता है, मां है तो बहुत इजी, लेकिन समझने में चीजों को टाइम लगा, और इतना जो समझा है अपन ने, आप ये समझो कि बस इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें डर नहीं होगा, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। नो हवाबाजी, एंड आई डोंट बिलीव इन हवाबाजी। मुझे बताओ कि अपने पेपर पे, प्लेन पेपर पे नोट डाउन करो कि मैंने कौन कौन से कमिटमेंट किए थे और कौन कौन से कमिटमेंट फुलफिल कर पाया और कौन कौन से नहीं कर पाया, देन आई कैन से कि हाँ यार हवाबाजी हुई या नहीं हुई। आप ही देखो कि मैंने क्या क्या कमिटमेंट किए और क्या क्या पूरे किए, और मुझे बताना कि दीज आर द कमिटमेंट, ये पूरे किए ये नहीं किए, तो मुझे अपने आप को रियलाइज हो पाएगा कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ या कुछ गड़बड़ लैक है। अगर अचीव कर रहा हूँ तो विश्वास होगा और कुछ नया करने का जुनून आएगा, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो यस उनको पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। चलो जी, और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, मतलब मेरा सेल्फ रियलाइजेशन भी इसी चीज से हो जाएगा। आ जाओ,
कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन, किस तरीके से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होता है, उसमें हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन देखा था। उसमें मैं हमेशा बताता था ट्रांसफर एक्सपेंसेस वो लेस कर दो तो नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपका आ जाता है। नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तो ये कैसे निकाला जाएगा, ये हमने ढंग से देख लिया है। दूसरा सर, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेस होगा ये हम देख चुके हैं। नाउ बारी है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फर्जी एक नंबर का। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब क्या, चलो कौन बताएगा, बहुत इजी है यार ये तो, तुम ही बता दो, इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। सॉरी बताओ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताओ, हेलो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्यू एन वाई क्या होता है आदित्य, परचेस करने के बाद जो एनी मॉडिफिकेशन में हाँ वो कार वाला एग्जांपल लिया था मैंने, टायर वो मैंने अंदर का इंटीरियर चेंज करवाया, मैंने टेप लगवाई, दीज आर द इम्प्रूवमेंट का खर्चा। वेरी गुड, मतलब आपने एसेट्स को परचेस करने के बाद उसमें आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया, मान लो मैंने एक मकान खरीदा, मकान में फिर मैंने क्या करा, उसमें एक फ्लोर और करवाया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर और फ्लोर करवाया, तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट राइट। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आते हैं, दीज आर द रेगुलर एक्सपेंडिचर, मतलब आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया हो ना वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। जैसे मैंने जमीन ली, जमीन पे मैंने क्या है कि तारबंदी कराई, वो तारबंदी मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। ये पता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टैक्स प्लानिंग में बहुत काम आता है, टैक्स प्लानिंग में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत काम आता है। भाई एक बार मेरे पास एक कंसल्टेंट कह रहे, एक वो आया, क्या बोलते हैं, क्लाइंट आया, क्लाइंट बोले यार सर कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ ना यार कि मैंने जमीन खरीदी हुई है ये मेंटेनेंस ही तुम्हारा आ जाएगा, रिपेयर्स रिनोवेशन आ जाएगा, नो डाउट उसमें आ जाता है, ठीक है। मैंने उसे बोला कि जमीन खरीदी हुई है, कितने में खरीदी, उसने बोला सर 10 लाख में खरीदी। मैंने कहा बढ़िया, कितने साल बाद बेची, उसने बोला सर 6 साल बाद बेची। कितने में बिकी, सर मेरी 59 लाख में बिकी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो सर मेरा कैपिटल गेन लग जाएगा। मैंने कहा हाँ लग जाएगा। मैंने कहा इसका मान लो इंडेक्सेशन भी करते हैं, मुझे डॉट याद नहीं आ रहा इंडेक्सेशन कितना क्या था, मान लो 29 लाख रुपये का इंडेक्सेशन भी करता हूँ, तो बोलता सर 30 लाख का तो मोटा गेन हो जाएगा। सर तरीका बताओ ना कोई टैक्स बचाने का। मैंने कहा क्या बताऊँ तरीका। बोले नहीं नहीं सर बताओ ना, बता दो प्लीज सर बता दो ना। मैंने भैया टैक्स जितना बचेगा उसका इतना परसेंटेज हमारी जेब में मिलेगा, यस सर नो। बोले हाँ दे दूंगा सर। तो मैंने कहा चल ठीक है, इसी के पैसे मिलने वाले तुम्हें बाद में, ठीक है। तो मैंने कहा देख भाई ऐसा कर, ये तो तूने जमीन खरीदी थी ना। हाँ सर खरीदी थी। मैंने कहा ऐसा कर, जमीन खरीदी तूने 10 लाख रुपए में, चल बोल कि भैया मैंने तारबंदी करवाई जमीन पे, दिस इज इंप्रूवमेंट का खर्चा 2 लाख रुपए का, ठीक है। मैंने तारबंदी कराई, या मान लो ज्यादा डालना चाहता है तो ज्यादा डाल दे, जो भी है फिजिबिलिटी के बेसिस पे देख ले कि कितना तारबंदी का खर्चा बनता है, मोटा खर्चा बनता है तारबंदी का भी। तो मान लो तू यहाँ पे 7 लाख रुपए तारबंदी के बता दे या 5 लाख रुपए तारबंदी के बता दे। अगर तू 5 लाख भी तारबंदी के बताएगा तो देख, जब तेरा 10 लाख का इंडेक्सेशन 29 लाख हो रहा है तो 5 लाख का 14 लाख तो होगा ही होगा ना, तो ले भैया ले 16 लाख का तो टैक्स, 14 लाख का टैक्स तो बच गया अपना, 14 लाख पे जो टैक्स लग रहा था वो तो बच गया। सो आप ये वाला इंप्रूवमेंट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पर लोग प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर कर सकते हो, बट आपको जस्टिफाइबल रीजंस आपके पास होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए कि किस ठेकेदार से करवाया। अब उसको उसने बोला सर डिपार्टमेंट मान लो मेरे से पूछेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठेकेदार की रसीदें लेके रख, ठेकेदार को पेमेंट किया रसीदें लेके रख कि भैया ये पेमेंट किया। थोड़ा सा अलर्ट रहना कि इतना कैश एक्सपेंडिचर मत दिखा देना जो तेरा मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है। एक लिमिटेड कैश एक्सपेंडिचर दिखा के सेग्रीगेशन करके प्लानिंग कर ले, कम बैठ जाएगा। सो दिस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप कंसीडर कर सकते हो फॉर द प्लानिंग पर्पस। मतलब अगर आपने परचेस के बाद में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और अगर आपने इंप्रूवमेंट का खर्चा है तो यस आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इसका भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। कईयों का क्वेश्चन आता है सर मैंने 2019 में इंप्रूवमेंट का खर्चा करा, और मान लो विद इन 6 महीने
प्रीवियस ईयर 2020-21 में ही मैंने असेट्स को बेच दिया, तो क्या सर इसका इंडेक्सेशन हो गया क्या? मैंने कहा बता तू देख असेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म है तो यस इसका भी इंडेक्सेशन होगा, दिमाग मत लगा, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि अगर आपने 1/4/2001 के बाद अगर कोई खर्चा किया है ना तो उसका बेनिफिट मिलेगा, पहले वाले का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कोई बताएगा मुझे? मैंने बताया था आपको 1/4/2001 के पहले वाले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। मान लो मैंने मकान खरीदा था 1/4/1990 में 10 लाख रुपए के अंदर, मैंने 1/10/1995 के अंदर 5 लाख का इंप्रूवमेंट करवाया, 1/1/2000 के अंदर मैंने वापस 5 लाख का इंप्रूवमेंट करवाया और 1/4/2001 को जो FMV है दैट इज 50 लाख रुपीज, 1/1/2020 में मैंने 50 लाख का इंप्रूवमेंट कराया। बताओ कौन सा इंप्रूवमेंट का खर्चा मुझे कंसीडर करना है और कौन सा नहीं करना है, और अगर करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, कौन बताएगा? बताओ आराम से, लॉजिकल बनो, चीजों में लॉजिकल बनो। ये है FMV, ये है FMV बस, ठीक है, ये यहां लिखा हुआ नहीं था इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि दिस इज FMV। हाँ जी FMV में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वेरी गुड। FMV में ऑलरेडी कंसीडर्ड है, ये जो इंप्रूवमेंट है ना, ये सारा कॉस्ट इंप्रूवमेंट, ये सारा FMV में कंसीडर्ड है। तो 1/4/2001 के पहले अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है तो उसे इग्नोर कर देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में अगर आप देखोगे तो वहां क्या बोला गया है कि अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है आफ्टर 1/4/2001 तो यस उसे कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलो बता ही देता हूं आपको, अरे भाई एक मिनट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहां पर है, एक मिनट अपना, दो लाइन का ही है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है उसमें। किधर गया रे भाई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये रे भाई किधर गया रे, शायद मैंने इसमें आगे कहीं डिस्कस हो गया है, इधर दिख नहीं रहा है मुझे इसमें। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यार किधर गया, बट तुम्हें समझ आ गया ना, इसमें ना दिख रहा है कोई बात नहीं, या तो जल्दबाजी में मैं नहीं देख पा रहा हूं किधर गया वो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। 1/1/2020 वाला यस वो कंसीडर करना है, वो कंसीडर करना है, ठीक है। 1/4/2001 के बाद जो भी आप खर्चा करोगे यस आपको वो कंसीडर करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, दिस तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो डन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो डन, बस उसमें यही है और कोई ज्यादा खास बात है नहीं उसमें। चलो अपन यही थे, तो ये भी मैंने आपको यहां पर कंप्लीट करा दिया है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम ऑन द प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या होता है पता है क्या आपको?
प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, टू सेक्शन 48, प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, ये क्या होता है? बस ये आज अपन कंप्लीट करेंगे। आज टाइम क्या हुआ है? टाइम एक और दो डेट हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, करा दूंगा, आराम से हो जाएगा। आज प्रोवाइजो खत्म कर देते हैं, तो अपना मेजर मामला आज खत्म। यस, प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन। तो मतलब मुझे बताओ कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 मतलब क्या? आराम से रिलैक्स, ये पढ़ना नहीं है, सेट करना है चीजों को। प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 क्या होता है? बराबर बोले आप, एक्सेप्शन। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन, बट अब प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन बिल्कुल ठीक है, बट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 को कैसे समझाओगे आप मुझे? अगर सिंपल प्रोवाइजो लिखा होता तो आप बोलते एक्सेप्शन, राइट? अब मैं बोल रहा हूं प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, तो इसे कैसे समझाओगे आप मुझे? मैं आपसे हर एक क्वेश्चन पूछता हूं ना, हर एक क्वेश्चन आपकी फ्लो को मजबूत करेगा। बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटेशन का एक्सेप्शन, वेरी गुड। मतलब सर आप जो सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन बताते हो कि इस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाएगा, ना 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 सर, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, इस तरीके से कंप्यूटेशन नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अलग मतलब, हाँ सर, कंपटीशन का तरीका बताया ना आपने, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट? ये कैसे होता है? आईएनआर में होता है। तो अपन तो देसी आदमी, अपन तो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी तो आईएनआर में जानते हैं काम करना, अपन को क्या पता? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है ना, ये सब आईएनआर में आएगा। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये सब आईएनआर में, और फिर ये आएगा कैपिटल गेन, ये INR में आएगा, और INR में आएगा, और INR में टैक्स लग जाएगा। सिंपल सी बात है, है ना भाई? ये है नॉर्मल कंपटीशन सेक्शन 48 का। लेकिन प्रोवाइजो बोलते हैं ना 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 ना, ऐसे कंपटीशन नहीं करने का, ना 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 ना, ऐसे कंपटीशन नहीं करने का, हम कुछ दूसरा तरीका बता रहे हैं, हम कुछ दूसरा तरीका बता रहे हैं। सुन लो भैया, इनसे तरीका समझ लो क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन ये आया क्यों, उसका भी तो पता होना चाहिए। प्रोवाइजो वन आया क्यों? प्रोवाइजो वन है क्या पहले तो ये समझो, फिर प्रोवाइजो वन लाया क्यों गया वो समझो। प्रोवाइजो वन क्या है पहले वो समझाता हूं, लाया क्यों गया फिर समझाता हूं, ठीक है? प्रोवाइजो वन बोलता है, वैसे भी वीडियो दिखाता हूं, वीडियो को देखने के बाद तुम ही बोलोगे सर प्रोवाइजो आना चाहिए। चलो वीडियो देखते हैं। प्रोवाइजो वन, अब समझना तुम्हें प्रॉब्लम समझ आएगी, उस प्रॉब्लम के कारण प्रोवाइजो वन लाया गया। देखो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये वाला वीडियो है या नहीं है? आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कौन सा वीडियो है। हाय काइको। हे भरत, हाउज यू? या आई एम गुड, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। How's everything in Japan? All good, all good. Good, good. I just want to ask you something. Yes, yes, of course, tell me. Actually, I'm thinking, I just want to some investment in Indian companies. Okay. So, let me suggest some companies for investment. How much you want to invest in India? 1 lakh USD. Oh, good, nice. Yeah. So, in current exchange rate, it will be around 75 lakhs. So, what's the purpose? Longer duration or shorter duration? Short term duration. Okay, you want to invest for the short term. Yes. Then I think I would suggest. One लाया गया. Hello. अरे एक मिनट मेरे को बताओ ये कौन सा चल रहा था? अरे मेरे को एक बात बताओगे कि अभी कौन सा, क्या बात चल रही थी वो उसमें? मैं एक मिनट मैं देख लेता हूँ, रुको, क्योंकि मुझे वो चेक करना है वो सही था या नहीं था। एक्चुअली मैंने कोई इन सब वीडियो गलत तो नहीं चला दिया? मुझे लग रहा है शायद वीडियो दूसरा होना चाहिए। हे काइको। हे भरत, हाउ आर यू? या आई एम गुड, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड।
Yes, tell me. Bharat, actually, I have some emergency, so I just want to sell Reliance shares. So please let me check what's the price of Reliance till date. Okay, you want to sell? Yes. All the shares? Yes. Okay, just give me a minute. I'll check and update you. Kaiko, the current price is 2250. 2520. Yeah, we have invested at rupees 2000, and now we have almost. अब जो वीडियो चला रहा हूं ना, दैट इज परफेक्ट. अब जो वीडियो चला रहा हूं, दैट इज परफेक्ट, राइट? उससे अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों प्रोवाइजो वन लाया गया. सी द वीडियो. हाय काइको. हे भरत, हाउ इज यू? या, आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड. How's everything in Japan? All good. Good. I just want to ask you something. Yes, of course, tell me. Actually, I'm thinking I just want to some investment in Indian companies. Okay. So let me suggest some companies for investment. How much you want to invest in India? 1 lakh USD. Oh, good, nice. Yeah. So in current exchange rate, it will be around 75 lakhs. So, what's the purpose? Longer duration or shorter duration? Short term duration. Okay, you want to invest for the short term. Yes. Then I think I would suggest Reliance will be the good option. You can move with the Reliance. You can go ahead with Reliance. Okay. So, what's the price of Reliance? Sure. Let me check. It's around 2000 rupees. Okay. And in Indian currency, if you 75 lakh is total investment, so around 3750 shares you will get. Okay, so you think it's a good deal? Yeah, of course it's a good deal, because in a 2 or 3 months you will get more than 10% return. Okay. So we can buy it, right? Yeah, of course. Okay. It's a good decision if you'll go with Reliance Industries. Okay, please buy it. Okay. Thank you. Yeah, we have bought. It's done. Okay, thank you, Bharat. Thank you. अभी देखो, पहले अभी जो आपने वीडियो देखा है, इसमें काइको जो जापान से है वो $1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहती है. शी वॉन्ट टू इन्वेस्ट $1,00,000, ठीक है, $1,00,000 इन इंडिया. तो उन्होंने कंसल्टेंट साहब को पूछा, भरत भाई, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट $1,00,000 इन इंडिया. भरत भाई सजेस्ट, ओ हो, काइको, इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, देन रिलायंस इज द गुड ऑप्शन. And what's the price going on? One share is 2000 rupees. So in India, that time the rate was 75 INR per USD. एक USD के बदले 75 INR. तो अगर आप 1 लाख USD इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब आप टोटल 75 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो. अगर आप 75 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो आपको कितने शेयर मिल जाएंगे? इंडिया में 3750 शेयर आपको मिल जाएंगे. Yes or no? अरे रुको तो सही राहुल, समझो. अभी दूसरी वीडियो पे लेके जा रहा हूं आपको. यू विल एनालाइज कि क्या हुआ. अभी कोई बात नहीं हुई है. तो 3750 शेयर आपको मिल जाएंगे. उसने कहा ठीक है भरत भाई, खरीद लो. भरत भाई ने खरीद लिए शेयर्स. नाउ यू विल एनालाइज कि क्यों प्रोवाइजो वन लाया गया. सी द सेकेंड वीडियो और आप मुझे बताओगे कि क्यों लाया गया. Hey Kaiko. Hey Bharat, how's you? Yeah, I'm good. And what about you? I'm good. Yes, tell me. Bharat, actually, I have some emergency, so I just want to sell Reliance shares. So please let me check what's the price of Reliance till date. Okay, you want to sell? Yes. All the shares?
Yes. Okay, just give me a minute. I'll check an update. Hey, Kaiko. Hey, man. How's you? Yeah, I'm good. Kaiko, the current price is 2250. Yeah. Yeah, we have invested at rupees 2000 and now we have almost more than 10% return. Okay. So, how much I get in USD? Okay, let me check it. In Indian currency, you will get around 9 lakh rupees profit. But here, one thing you have to be careful that you have to pay tax in India because you have profit of rupees 9 lakh. Right? But I'll check. The current foreign exchange rate is 85. Hey, Kaiko. Hey, Bharat. How's you? सॉरी यार थोड़ी मेरी आवाज वापस रिपीट हो रही थी. सॉरी हाँ वापस चला रहा हूँ. हे काइको. हे भरत. हाउ आर यू? या आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड. यस टेल मी भरत. एक्चुअली आई हैव सम इमरजेंसी सो आई जस्ट वांट टू सेल रिलायंस शेयर सो प्लीज लेट मी चेक व्हाट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस टिल डेट. Okay, you want to sell? Yes. All the shares? Yes. Okay, just give me a minute. I'll check and update you. Kaiko, the current price is 2250. 2520. Yeah, we have invested at rupees 2000 and now we have almost more than 10% return. Okay. So how much I get in USD? Okay, let me check it. In Indian currency, you will get around 9 lakh rupees profit. But here, one thing you have to be careful that you have to pay tax in India because you have profit of rupees 9 lakh. Right? But I'll check. The current foreign exchange rate is 85. So you will get 99,264 USD. 99,264 USD? Yeah. What? I invest 1 lakh. And I get 99,264 USD. Yeah, this is the actually current exchange rate is 85. So that's no, why no, you're... No, but this is a loss for me. I never invest in US, in Indian company. Yeah, I can understand. Yeah. Because this is the exchange rate actually. Because of the exchange issue. So your profit has been reduced. And you are getting lower amount as compared to your invested amount. Okay. Hey, Kaiko. Hey, Bharat. हाँ जी. राहुल पूछ रहा है वेदर शी इज जापानीज. हाँ जापान से अपन ने उसको इनवाइट किया है फॉर दिस पर्पज यार. हाँ सो जापान से अपन ने उसे शूट के लिए बुलाया. बोले भाई हाँ हम एक स्पेसिफिक शूट बना रहे हैं. सो काइको इज फ्रॉम जापान. चलो जी आओ कम ऑन दिस. समझ आया तुम्हें? समझ में आया कहानी क्या हो रही थी? बताओ कहानी क्या हो रही थी जिसके कारण फर्स्ट प्रोविजो लाया गया. उसको प्रॉफिट होने की बात बावजूद भी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ एक्सचेंज. और हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? हम तो टैक्स लगाएंगे. एक्चुअल में भाई साहब उसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है और तुम टैक्स लगा रहे हो. वेरी गुड राहुल, वेरी गुड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा. वेरी गुड राहुल. दिस इज द थॉट प्रोसेस विच आई वॉन्ट टू डेवलप इन यू ऑल. This is the thought process. समझ आया? ये कहानी थी एक्चुअली. Why? क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट, क्यों इंडिया में प्रोविजो वन लाया गया? बिकॉज FII को, FII क्या मतलब? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. उन्होंने बोला भाई तुम तो INR में कंप्यूट करते हो. नहीं, INR में कंप्यूट मत करो, फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कंप्यूट करो. अगर फॉरेन करेंसी में प्रॉफिट निकलता है तो टैक्स लगाओ, नहीं तो टैक्स मत लगाओ. सिंपल सी बात है. फॉरेन करेंसी में अगर प्रॉफिट निकलता है तो उस प्रॉफिट को INR में कन्वर्ट करो, फिर उस पे टैक्स लगाओ. तो बस सिंपल है. करना है क्या है? कुछ भी नहीं करना. कंपटीशन का तरीका वही है. तो देखो मैं एक बार समझाता हूं. अब देखो, अब कैलसी मेरे पास नहीं है, तुम थोड़ा कैलकुलेट करना, मुझे बताना. कैलसी लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा टाइम लैग आ रहा है अपना. देखो
अब काइको ने बोला 3 महीने बाद में कि भाई भरत भाई मुझे सेल करना, मैंने कहा सेल कर दे, बढ़िया है, तेरे पास 3,750 शेयर पड़े हैं, बेच दे, 2,250 रुपए का एक शेयर है, तो कितना पैसा आवेगा, 2,250 × 3,750 ही है ना, कितने शेयर थे अपने पास, 3,750 शेयर है, आज 2,250 रेट हो गई, तो 84,37,500, ठीक है, इतना पैसा आवेगा। अपन ने कितना पैसा लगाया था, अपन ने 75 लाख रुपये लगाया था, माइनस 75 लाख रुपया, तो 9,37,500, अरे बल्ले बल्ले, 3 महीने के अंदर इससे ज्यादा के रिटर्न लोगे तुम, मजा आ गया यार, है ना, कितना बढ़िया है। अब देखो काई को बोलती है चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को पैसा की जरूरत है, यूएसडी भेजो। अब यूएसडी भिजवाए हैं अपन उसे, तो अपन ने कहा भैया ले ये 37,500 यूएसडी भेजते हैं उसको, रेट क्या है 85, पहले रेट थी 75, अब क्या हो गया एक्सचेंज रेट, पैसा डाउन हो गया, अपना रुपया डाउन हो गया, रुपया डाउन होना मतलब पहले एक डॉलर में 75 रुपये होते थे, अब 1 डॉलर में 85 रुपये हो गए, तो रुपया डाउन है, राइट। तो अब देखो 84,37,500 / 85, अब उसे पैसा कितना मिला, 99,265। मैंने कुछ गलती की है क्या भाई यार, मैंने कैलकुलेशन सही नहीं करी क्या यार, बताओगे क्या, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, 3,750 × 2,250 सही है ये भी, अपॉन रेट क्या है 85 है क्या, रेट क्या थी उसमें, अभी वो जो काइको वाला मामला था उसमें रेट क्या थी, 85 थी क्या, तो 99,265 आ रहा है मेरे, 99,265 USD, 99,265 USD। भाई साहब उस काइको ने $1,00,000 इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए, अब ले जा रही है कितने, 99,265, और उधर इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है ए काइको मैडम टैक्स तो दे जाओ, ये प्रॉफिट कमा रहे हो टैक्स तो दे जाओ, काइको मैम हाथ जोड़ती है, ए प्रभु दया करो, एक तरफ तो मेरे को लॉस हो रही है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट मेरे को टैक्स मांग रही है, नहीं कर रहा हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट, आज से नहीं करना इन्वेस्टमेंट। हाँ ये सही है, कैलकुलेशन सही है, नहीं करना आज से इन्वेस्टमेंट। फिर मनमोहन सिंह साहब बोले ए शांत गद्दारी भीम शांत, उस समय मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बोले शांत गद्दारी भीम शांत, काहे को परेशान होते हो, हम एक प्रोविजो लेके आते हैं तुम्हारी परेशानी का हल कर देते हैं। काइको मैडम, काइको में बड़ा इंटरेस्टेड था मनमोहन सिंह साहब को, तो बोले काइको मैम प्रोविजो 1 लेके आ रहे हैं हम, प्रोविजो 1 फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया मार्केट में बनाए रखने के लिए प्रोविजो 1 लाया गया। उन्होंने बोला, अरे भाई, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया मार्केट में डिबेंचर्स में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स इन फॉरेन करेंसी, भैया फॉरेन करेंसी तो चाहिए अपने को, फॉरेन करेंसी आती है तो बेनिफिट दो, आती है तो बेनिफिट दो, आती है तो बेनिफिट दो, अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन फॉरेन करेंसी, तो उसका कैपिटल गेन सबसे पहले फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट किया जाएगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको INR में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो, अब देखो, अगर मान लो काइको का आप अगर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते फॉरेन करेंसी में, तो ये देखो लॉस आता, उसको लॉस आता ना, उस पर टैक्स लगता क्या, नहीं लगता, तो इन्होंने यहां पे फायदा दिया कि भाई आप क्या करो, फॉरेन करेंसी में उसका कैपिटल गेन निकालो, प्रॉफिट आ रहा है तो उसे INR में कन्वर्ट करो, फिर टैक्स लगाओ, नहीं तो टैक्स मत लगाओ। समझ आया? तो अब किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा फॉरेन करेंसी में, उन्होंने बताया। देखो सेक्शन 48 तो बोलता है INR में कंप्यूट करो, प्रोविजो बोलता है नहीं, INR में कंप्यूट नहीं करेंगे हम, तो फॉरेन करेंसी में कंप्यूट करवाएंगे। सो व्हाट इज द प्रोविजो 1, देखो, समझ आ रहा है तुमको? ओ मेरे भाइयों, दिस इज द प्रोविजो 1। अब इसके साथ मैं प्रोविजो 5 भी बताऊंगा आपको। देखो, नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी या तो इन्वेस्ट करता है या री इन्वेस्ट करता है इन फॉरेन करेंसी इंडियन मार्केट के शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द इंडियन कंपनी,
ठीक है ना, शेयर्स और डिबेंचर, डिबेंचर इट इंक्लूड बॉन्ड्स ऑल्सो, डिबेंचर इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, या तो शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, इंडियन कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, राइट। तो यहां जो कैपिटल गेन है विल बी कैलकुलेट इन दी फॉरेन करेंसी फर्स्ट, देन कैपिटल गेन विल बी रिकन्वर्टेड इन INR, ठीक है। तो अब देखो कैसे कंपटीशन होगा, रूल 115A में बताया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो अब यहां पर काइको का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था, 84,37,500, ये INR है, इसको USD में कन्वर्ट करो। ये बोलता है कि जिस दिन, अब USD में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, ये बोलता है कंसिडरेशन इन INR, INR में कंसिडरेशन लो और एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपको वहां मार्केट में जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन आप में आपको TT बाइंग रेट भी मिलेगी और TT सेल रेट भी मिलेगी, TT बाइंग रेट और TT सेल रेट, ठीक है ना। जब आप मार्केट में TT बाइंग रेट और सेल रेट मतलब क्या होता है, जब आप बैंक के पास, मान लो आज 70 रुपया चल रहा है USD की रोड, मान लो समझो होता क्या है, 70 रुपया चल रहा है, अगर आप बैंक से खरीदने जाओगे USD तो वो आपसे 70 से कुछ ज्यादा ही चार्ज करेगा, मान लो 70.50 चार्ज कर रहा है, तो TT बाइंग रेट हमेशा ज्यादा होती है। अब आपके पास USD और आप बेचने जाओगे बैंक को, तो बैंक आपको 70 से कुछ कम ही देगा, 69.30, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, तो जो भी आपकी TT बाइंग रेट और TT सेलिंग रेट गिवन है, तो आपकी क्वेश्चन में TT बाइंग रेट और TT सेल रेट गिवन होगी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, आदित्य बोल रहा है कि सर आप उनके बिहाफ पे, आप भाई उनके बिहाफ पे करूंगा तो रोटेशन घुमाना पड़ेगा ना, पैसा हिंदुस्तान में आएगा कैसे, हैं कैसे आएगा हिंदुस्तान में, इल्लीगल तरीके से ले लो फिर, तो इल्लीगल तरीके से ले लो, क्या प्रॉब्लम है, काइको को फोन करेंगे, काइको डॉलर भिजवा दे, इल्लीगल तरीके से, लीगल मोड में नहीं होगा, इल्लीगल मोड में तो जो करना है करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, होता ही आज भी होता है ना, इल्लीगल मोड में तो आज भी होता है। बट यहां काइको बताओ क्यों मेरे को पैसा देगी, कोई अपनी रिलेशन में तो है नहीं जो अपने को पैसा दे देगी, भरत भाई है ना आप मेरे बिहाफ पे, मैं क्यों खरीदूंगा, पैसा मेरे हाथ में होगा तो खरीदूंगा, मैं डॉलर भिजवाती हूँ आपको, ठीक है उसने मेरे को डॉलर भिजवा दिए, 2 महीने बाद कौन से डॉलर, मैम आपके कोई डॉलर नहीं आए मेरे पास, ले भैया कौन पैसा देगा मुझे इल्लीगल तरीके से, जब तक आपका कोई कनेक्शन ना हो ना कोई पैसा नहीं देता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। वो क्यों असेट्स किसी और के नाम पे खरीदेगी, अपने नाम पे खरीदेगी ना। आज आदित्य आपको बोलूं कि मैं खरीदता हूँ आपके बिहाफ पे 5,000 शेयर, आप तो मेरे को रोकड़ा दे दो, अब दोगे क्या, नहीं दोगे, वो भी नहीं देगी ना यार, वो भी काहे को देगी, बोले मेरे नाम पे खरीदो भैया, हाँ समझ में आया। तो ये जो TTBR और TT सेलिंग रेट बताई ना, TTBR रेट मतलब क्या होती है, अगर आप बैंक को बाइंग रेट, अगर बैंक किस रेट पे बाय करेगा आपसे, आपके पास 70 का USD है ना, और अगर आप बाय, अगर आप बेचना चाहते हो, आपके पास USD, आप बोलते हो बैंक को सर मैं सेल करना चाहता हूं, तो बैंक आपसे खरीदेगी, तो TT बाइंग रेट, TT बाइंग रेट हमेशा कम होती है, 69.30, ठीक है ना। और सेलिंग रेट, बैंक अगर आपको USD बेचता है तो जो भी नॉर्मल रेट है उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है, ये उनका मार्कअप होता है, तो 70.50 या 60, ठीक है ना। तो इन दोनों का एवरेज ले लो, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उस दिन का एवरेज ले लो, ठीक है। सो अब देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिस दिन आपने बेचा है उस दिन आपका INR में कितना कंसिडरेशन था, अपॉन एवरेज ऑफ TTBR प्लस TTSR, ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो ये आपका फॉरेन करेंसी में आपका ये आ जाएगा, फॉरेन करेंसी में आपका सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, अगर आपने ट्रांसफर का कोई भी खर्चा किया है, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन किया है, ये जो आपका है ना ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने एसेट्स का ट्रांसफर किया है उस दिन का एवरेज रेट ले लो, TTBR प्लस TTSR अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आ गया। अब ये बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एसेट्स खरीदी थी 3 महीने पहले, काइको ने एसेट्स खरीदी थी, राइट,
तो 3 महीने पहले जब असेट्स खरीदी थी उस दिन का एवरेज रेट क्या था, टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर अपॉन 2, वो ले लो, ये लो सर वो लेके आपका ये बना लो, ये आपका फॉरेन करेंसी में आ गया कैपिटल गेन। अब इस फॉरेन करेंसी में जो कैपिटल गेन आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो टीटीबीआर से और फिर जो आईएनआर आएगी वो आपका कैपिटल गेन में टैक्स लगाने के पर्पज से काम आएगी। आई होप समझ आया होगा, इसको एक क्वेश्चन से कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। मिसेस काइको, काइको को लेके आ जाते हैं। काइको इन्वेस्ट 50,000 USD इन इंडिया इन इन रिलायंस शेयर, शेयर प्राइस 1500, ठीक है ना, शेयर प्राइस कितनी है 1500 एंड रेट ऑफ एक्सचेंज 70 per USD, ठीक है ना। देख लेते हैं भैया, 50,000 × 70 35 लाख, 2000 शेयर ले लो, 2000 शेयर, ठीक है, 35 लाख upon 2000, ठीक है, 2000 शेयर ले लो, ठीक है। After 6 month, Kaiko sold all the shares. Exchange rate were 80 per USD, ठीक है, per USD. अब यहां TTBR और TTSR दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, TT buying rate और SR दे रहा हूं, ये तो दे रहा हूं, ये ट्रांसफर वाला दिन है आपका 1/1/2024 और आपने जो परचेस किया 1/6/2023, तो 1/6/2023 को TTBR क्या है, मान लो 70, 69.50, 71, ठीक है, और 1/1/2024 को 16, ये सिंपल पकड़ लो यार, 69 और 71, सिंपल ऐसे ही पकड़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, इजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये हो गया 79 और ये हो गया 81, चलो करो। कभी भी इस रेट को कंसीडर मत करना, ऑलवेज आपको यही करना है एवरेज ऑफ TTBR प्लस TTSR, हमेशा ध्यान रखना। ये रेट में ना भी दूं ना, ये मान लो क्वेश्चन में है ही नहीं, आप तो भूल जाओ इस रेट को, नहीं ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा यार, रेट ऑफ एक्सचेंज उस समय 70 था, 70 INR per USD, ठीक है ना, और एक्सचेंज रेट उस समय ये थी, इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकता हूँ मैं, बोले 71.9, तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ दो, मैं इसलिए अभी मोल्ड नहीं कर रहा हूँ, बाकी मोल्ड कर सकते हैं इसको। चलो जी करो आराम से इस क्वेश्चन को। मिसेस काइको इन्वेस्टेड 50,000 USD इन इंडिया रिलायंस शेयर्स, ठीक है ना, इंडिया इंडियन कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो, पहली चीज ये ध्यान रखना, इन फॉरेन करेंसी किसी भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी में, तो उसका जो कैपिटल गेन का कंपटीशन है सेक्शन 48 के तरीके से नहीं होगा, प्रोवाइजो क्या बोलता है, सबसे पहले कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कंप्यूट किया जाएगा, फिर जो आएगा उसे INR में कन्वर्ट किया जाएगा। तो फॉरेन करेंसी में ये बोलता है सबसे पहले INR को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करोगे, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उस दिन की एवरेज रेट से अपॉन कर दो, दैट्स इट, खत्म करो क्वेश्चन को, करो आराम से क्वेश्चन को करो, करो 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 आराम से करो, आएंगे कई सारे क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल में अपने को इसके कनेक्टेड, एंड दिस विल बी वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली, प्रोवाइजो वन। फिर प्रोवाइजो 5 ना वो कल कराऊंगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो प्रोवाइजो 1, 2, 3, 4 ये तो फटाफट हो जाएंगे, प्रोवाइजो 5 वो कल कराऊंगा, 6 और 7 तो छोटे से हैं।
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कियोको सोल्ड ऑल द शेयर्स एट 2500 पर शेयर, ठीक है। यस, करो आराम से करो, ठीक है। एक मिनट में आई रहा हूं, आप इसे करो आराम से। है ना सेल्स कंसिडरेशन, बताया ना 2500 सारे के सारे शेयर बेच दिए 2500 रुपए पर शेयर में, जो ही बताया ना। हाँ जी, आ रहा है ना समझ में? आयुषी का आंसर आ गया। चलो अब देखो, आदित्य बोल रहा है 2 मिनट हो रहा है तो मैं रुकता हूं, कोई बात नहीं। आदित्य, आदित्य भरत कहां पर आजकल? है भाई आदित्य, अपना भरत भाई किधर आजकल? ओके, और उस प्रॉफिट को जो यूएसडी में प्रॉफिट आ रहा है उसे कन्वर्ट करो इन INR। देखो एवरेज के समय तो मैंने क्या बोला, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उस दिन का रेट एवरेज बीआर, एवरेज एवरेज रेट टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर अपॉन 2, ठीक है ना, ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑन द डेट ऑफ सेल। फिर जो आपका प्रॉफिट आएगा उसे टीटीबीआर से मल्टीप्लाई करोगे, कौन से दिन की, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफर किए, उस दिन की जो टीटीबीआर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर कैपिटल गेन, चलो जी बताता हूं कैसे होगा। अब देखो यहां पर मैं अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताऊंगा तो मेरा क्या आ रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में सेल किया, 2500 रुपए में 2000 शेयर सेल कर दिए। चलो जी 2500 रुपए में मैंने सेल कर दिए 2000 शेयर्स, तो कंसिडरेशन कितना आया मेरे पास, 2500 इंटू 2000, ये आया मेरा 50 लाख रुपए, ठीक है ना, ये आया मेरा 50 लाख रुपए। 50 लाख को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एवरेज रेट से। तो जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया 1/1/2024 की एवरेज रेट ले लूंगा, 79 + 81/2 = 80, तो अपॉन 80 कर दूंगा, 50 लाख अपॉन 80, तो ये आ जाएगा मेरा 62,500 USD, ठीक है। अब इसमें से कोई खर्चा है क्या, नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है आपकी, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 2000 शेयर खरीदे, ओए भाई रे भाई मैंने गलती कराई, नहीं नहीं है ना यार, 2000 शेयर खरीदे आपने, कितने शेयर खरीदे आपने, 1750 शेयर खरीदे थे ना। देखो 50,000 USD आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रेट कितनी है 70, तो ये कितने हो गए, 35 लाख रुपए हो गए थे, 35 लाख रुपए, तो आपने 1750 शेयर खरीदे, 1750 शेयर खरीदे तो 1750 शेयर इंटू 2000 रेट थी उस समय, मतलब सिंपल है यार, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया आपने, नहीं सॉरी 35 लाख का, 1750 शेयर खरीदे, 1750 शेयर खरीदे इंटू एक शेयर की रेट कितनी थी उस समय, 2000 रुपये पर शेयर ये प्राइस थी, ठीक है, तो कितना हो गया 35 लाख रुपए। उस समय
तो जिस दिन आपने परचेज किया, जिस दिन आपने परचेज किया 1/6/2023, उस दिन का एवरेज रेट क्या है? 69 + 71/2 = 70, तो अपॉन 70, तो 35 लाख / 70, तो ये आ रहा है 50,000। ठीक है, ये आ रहा है आपका 50,000। क्या कर रहे हो यार, तुमने आंसर कैसे निकाला है भाई? ये आ रहा है यार कैपिटल गेन, 12,500 का कैपिटल गेन आ रहा है यूएसडी में। क्या करते हो यार, क्या गड़बड़ करी तुमने, मुझे बताओ सब यार, क्या गड़बड़ करी, गड़बड़ क्या करी तुमने? वापस रुको 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 रुको, रुक जाओ, वापस समझाता हूं, चलो वापस समझाता हूं, शांत रुक, शांत हो जाओ अब एकदम। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया में, इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है इन फॉरेन करेंसी, तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन का तरीका अलग हो जाएगा। जनरली क्या होता है, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन INR में कैलकुलेट करते हैं, ये बोलता है यूएसडी में कैलकुलेट करो। सर INR में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उसको यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट चाहिए ना? हाँ सर, तो क्या एक्सचेंज रेट बोलेंगे? इन्होंने बोला एवरेज रेट। सर ये एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट होगी? ये बोलता है जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप बाकी देखो सिर्फ और सिर्फ परचेज के दिन, एक्विजिशन वाले दिन की एवरेज रेट लेते हैं, बाकी ट्रांसफर वाले दिन की रेट लेते हैं, सब में चेंज करना पड़ेगा, सब में। तो जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन की एवरेज रेट। और ये एवरेज रेट कैसे निकलती है? TTBR उस ट्रांसफर वाले दिन की TTBR प्लस TTSR अपॉन 2, ये आ गई एवरेज रेट। ठीक है, अभी अपना ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं देखो, अभी तुम्हें एक क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे बताओ 2500 शेयर है, ठीक है 2500 पर शेयर है, और मेरे पास 1750 शेयर थे, तो ये देखो 2000 शेयर थे, 1750 शेयर थे, सॉरी भाई मैंने गलती कर दी, तुमने गलती नहीं करी, मैंने गलती कर दी। अपने पास शेयर कितने थे? आई होप तुम सब सही हो, मैं यहां पर गलत हूं, अपने पास शेयर ही नहीं थे ना इतने, तो यार 35 लाख, एक मिनट रुको, 35 लाख अपॉन 2000 शेयर, 2000 रुपये का एक शेयर है, तो 1750। भाई साहब तुम सब सही हो, मैंने ये 2000 क्यों लिखे यहाँ पे? 2500 रुपये तो रेट है, प्राइस है, और नंबर ऑफ शेयर्स तो कम है ना यार, तुम सब सही हो यार, मैंने गलती कर दी भाई, 1750, 2500 × 1750, तो ये आ गया 43। तुम सब सही हो, डू नॉट वरी, अपॉन 80, तो ये आएगा आपका 54687.5, तो जो आंसर होगा 4687.5। यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैंने गलत ले लिया, 2000 शेयर ले लिए, जबकि शेयर तो 1750 ही थे ना मेरे भाई। ठीक है, शेयर तो वही थे, जिस दिन परचेज किए उस दिन की एवरेज रेट ले लो, जिस दिन सेल किए उस दिन की एवरेज रेट ले लो, सिंपल, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उस दिन की एवरेज रेट, यार क्या करते हो। आई होप दिस इज क्लियर, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने गलत कर दिया था। हाँ, आपका FPOC में 2K शेयर कंसिडर कर लिया, हाँ वो मैंने गलत कर दिया, गॉट इट। बताओ आदित्य, आपको कंफ्यूजन नहीं है? आदित्य यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पहले सही थे आप, बट आप कंफ्यूज हो गए बिकॉज मैंने शेयर गलत लिख दिए थे, मैंने शेयर गलत, 4687.5 यूएसडी, दिस विल बी द कैपिटल गेन। ठीक है ना, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आप देखो सेल कर रहे हो तो जिस दिन आपने सेल किया है, ट्रांसफर किया है, उस दिन की एवरेज रेट ले लो, TTBR TTSR अपॉन 2, जिस दिन परचेस कर रहे हो तो उस दिन की एवरेज रेट ले लो, TTBR प्लस TTSR अपॉन 2, राइट, और जो कैपिटल गेन आएगा उसे कन्वर्ट कर लो INR में। कैसे करोगे? जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है उस दिन की जो TTBR है उससे,
ठीक है ना। और आपने ट्रांसफर कब किया था, आपने 1/1/2024 को किया था, तो 1/1/2024 की TTBR 79 है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लो अपने कैपिटल गेन को। तो 46 जो आपका आया था कैपिटल गेन, 4687 × 79, ये जो INR आएगा दिस विल बी योर कैपिटल गेन। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो ये क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन और करो। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स ऑफ कंपनी ए, परचेज प्राइस 1750 पर शेयर, परचेज 2000 शेयर्स। एंड सेल ऑल द डिबेंचर्स, सॉरी शेयर्स नहीं है डिबेंचर्स है, सेल ऑल द डिबेंचर्स आफ्टर 2 मंथ एट रेट ऑफ 1850 पर डिबेंचर, ठीक है ना, 1850 पर डिबेंचर। डेट ऑफ परचेज 1/10/2023, डेट ऑफ सेल 1/12/2023, TTBR और TTSR 69, 71, 74, 76। चलो आराम से करो इस क्वेश्चन को। मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी रहेगा, 71, 76। करो इस क्वेश्चन को, करो आराम से। हाँ आंसर सही है आदित्य, आंसर सही है, टेंशन मत लो, आंसर सही है भाई। इस क्वेश्चन को करो, तुम्हारा आंसर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, व्हाटएवर जो भी है। कोई इशू नहीं है ना, लॉस है तो बस बढ़िया बढ़िया, कोई इशू नहीं। बट कंपटीशन किस तरीके से होगा वो समझ में आ गया तुमको, है ना, बराबर है, सबका यही आ रहा है, राहुल आयुषी सबका बराबर है, चलो आदित्य सबका बराबर है। चलो एक बार देख लेते हैं। अब देखो, अब मैं इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो क्या आएगा, देखो सेल कब किया मैंने, आफ्टर 2 मंथ, ठीक है ना, 1850 रुपये में, तो 1850 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, परचेज 2000 डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर मैंने परचेज किए हैं, ठीक है, तो कितने के हो गए, 1850 × 2000 37 लाख के हो गए, अपॉन एवरेज रेट ये आ गई 70, ये लो सर अपॉन 70, तो ये हो गया मेरे पास USD 52857.14। चलो जी अब इसमें से लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने खरीदे कितने में थे, 1750 पर शेयर और 2000 में,
1750 इंटू 2000 शेयर कितने के हो गए, 1750 इंटू 2000 35 लाख में खरीदे थे, 35 लाख रुपए अपॉन, अब यहां पर जिस दिन मैंने परचेज किया, जिस दिन, अरे यार शिट, ये वाला रेट मुझे लेना है, क्या करता हूं यार मैं 75 लेंगे ना, 74 7, ये 75 लेंगे तो 37 लाख अपॉन 75 तो 49333.33, दिस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा, तो 35 लाख अपॉन 70 ये आ जाएगा 50,000, ठीक है, तो ये हो गया लॉस। बराबर है 66, इसे आप 666.67 यूएसडी का क्या हो रहा है आपको, कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, दैट्स इट, परफेक्ट है। इसे INR में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यूएसडी में कभी नहीं बताओगे, आंसर तो आपको INR में बताना पड़ेगा, हिंदुस्तान का ITR यूएसडी में थोड़ी भरीजता है, हिंदुस्तान का ITR तो INR में भरीजेगा ना, तो भैया INR में कन्वर्ट करो, किस दिन, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है उस दिन की TTBR पे, इंटू 74, तो ये आ गया आपका लॉस 49334, दिस इज दी कैपिटल लॉस इन INR, दिस इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज दी करेक्ट आंसर, परफेक्ट, आप सभी ने एकदम परफेक्ट किया, बस यही है प्रोवाइजो वन, यही है प्रोवाइजो वन, समझ आ गया। प्रोवाइजो टू थ्री और ये बता देता हूं, फिर आप इंजॉय करो, तुम्हारा टाइम भी हो चुका है, एक्चुअली कल ही बताऊंगा, छोड़ो या बता दूं, प्रोवाइजो टू बोलता है, भैया कंपटीशन में तो तुमने बताया ही नहीं है, कंपटीशन में तो तुमने बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दो। प्रोवाइजो टू बोलता है अगर तुम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए एसेट्स हेल्ड करोगे तो तुम्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। प्रोवाइजो थ्री क्या बोलता है, प्रोवाइजो टू अभी एक बार तो बता ही रहा हूं, वापस और बताऊंगा, ये बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आज अपन जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हैं क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोवाइजो टू, ठीक है, मतलब अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी है कॉस्ट इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो। प्रोवाइजो थ्री बोलता है कि 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पे भी होता है वहां नो इंडेक्सेशन, उस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऑलरेडी टैक्स रेट बहुत कम है। 112A में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस, अगर आप इसको सेल करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो ऑलरेडी हमने आपको बेनिफिट दे दिया तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, ये प्रोवाइजो थ्री बोलता है। प्रोवाइजो 4 समझ आ रहा है ये, अब एक बार आपको प्रोवाइजो भी बताई देता हूं सारे और प्रोवाइजो 5 कल बताऊंगा। चलो ये प्रोवाइजो 1 हो गया अपना, ठीक है, ये प्रोवाइजो 2 लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन, प्रोवाइजो 3 बताई दिया मैंने आपको 112A का, प्रोवाइजो 4 बता देता हूं, हाँ कल ही बताऊंगा, चलो जल्दबाजी में मत करो यार, फालतू मजा नहीं आएगा, कल ही बताऊंगा सारा, ठीक है। प्रोवाइजो 1 बताया कल, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7 ये सारे प्रोवाइजो छोटे छोटे से हैं, बस एक 5 है वो बिल्कुल, ये अगर आपको प्रोवाइजो 1 आता है ना तो प्रोवाइजो 5 बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चलो ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो बता दो मुझे, पहले वो एड्रेस कर लेता हूं। Do you have any other question? एक वीडियो दिखा दूं पहले, ताकि प्रोवाइजो 5 के पहले की कहानी बन जाएगी आपके लिए। एक वीडियो दिखा दूं प्रोवाइजो 5 के पहले की कहानी बन जाएगी। प्रोवाइजो 5 जो है ना, देखो प्रोवाइजो 1 क्या है कि अगर इंडियन नॉन रेजिडेंट ने इंडियन मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स में, डिबेंचर इट इंक्लूड बॉन्ड्स ऑल्सो, में फॉरेन करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है
राउंड ऑफ करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, राउंड ऑफ मत करो डॉलर को, जो आंसर आया है वो लिखो, उसे INR में कन्वर्ट करो, फिर राउंड ऑफ करो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, डॉलर को राउंड ऑफ मत करना, बिल्कुल ही मत करना, गलत हो जाएगा मामला, ठीक है? चलो अब अगला जो प्रोविजो 5 है, 1 और 5 कनेक्टेड है, 1 और 5 कनेक्टेड है। 1 में तो क्या था, शेयर्स डिबेंचर्स थे, डिबेंचर इट इंक्लूड बॉन्ड्स आल्सो। यहां पे हो क्या रहा था 1 में, 1 में हो क्या रहा था, 1 क्यों लाया गया, 1 क्यों लाया गया समझना। 1 में जब वो काइको वाला केस में क्या था, 1 USD = 75 जब इन्वेस्टमेंट किया, और जब विड्रॉ किया तो 1 USD = 85, मतलब रुपया कमजोर हो गया, रुपया कमजोर हो गया। ये रुपया कमजोर होना होता है पता है, जहां मेरे को 1 USD पे पहले 75 रुपए देने पड़ रहे थे, आज 1 USD पे 85 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब हम कमजोर हो रहे हैं। दिस इज इंडिकेशन ऑफ दी हम कमजोर हो रहे हैं, रुपया कमजोर हो रहा है। अगर मान लो 1 USD में आपको पहले 70 रुपए देने पड़ते थे और अब आपको 1 USD पे 65 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, रुपया मजबूत हो रहा है। क्या बोलोगे, रुपया मजबूत हो रहा है। जहां पहले मैं 70 रुपए दिया करता था 1 USD पे, आज मुझे 65 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब मैं मजबूत हो रहा हूं, मतलब मैं मजबूत होता हूं, तो रुपया मजबूत हो रहा है। तो अभी आपने जो सिनेरियो देखा था वो ये वाला देखा था। अब इन्होंने एक सिनेरियो बनाया, एक कि अगर मान लो रुपया मजबूत होने से, रुपया अगर मजबूत होने से आपको क्या होगा, अगर रुपया मजबूत होगा ना तो आपको क्या होगा, रुपया मजबूत होने से आपको प्रॉफिट होगा, राइट? आप सोचो, आपने 1 लाख USD 75 की रेट में डाले, 1 लाख, तो 75 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मान लो शेयर की रेट थी 2000 रुपए, तो कितने शेयर आपने, 3750 शेयर, ठीक है, 3750 शेयर। मान लो कोई रेट में अप्रिशिएशन कुछ नहीं हुआ, आप बोलते हो सर मैं तो पैसा वापस ले जा रहा हूं, मैं तो 75 लाख, अब रुपया मजबूत हो चुका है, अब रुपया मान लो 75 से 65 हो चुका है, लेट्स अज्यूम, तो 75 लाख अपॉन 70 कर दो, चलो 70 कर दो अपॉन 70, मजबूत हो गया ना, पहले एक डॉलर में 75 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो रुपया मजबूत हो गया, तो 75 लाख अपॉन 70 कितना हो गया, 1,07,143 रुपए, भाई साहब USD, सॉरी, आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख USD और आप लेके जा रहे हो 1,07,143 कोई रुपए में। देखो रेट क्या थी, रेट वो की वही है, रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, 75 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया, आज उसकी वैल्यू वही है 75 लाख रुपए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रुपी अप्रिशिएशन, रुपया मजबूत होने के कारण मुझे 7,143 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, राइट? ये समझ आ रहा है क्या, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किसको, जो भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रुपया मजबूत होने के कारण प्रॉफिट हो रहा है। उसके पास डिबेंचर या बॉन्ड्स, उसमें एप्रिशिएशन नहीं हुआ, वो तो सेम वैल्यू का है, एप्रिशिएशन तो रुपया मजबूत हुआ। मान लो वापस सुनो एक एग्जांपल, मैंने 1,000 शेयर खरीदे 2000 की रेट पे, ठीक है, तो क्या हो गया, 1,000 × 2,000 20 लाख रुपए, ठीक है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो 1 USD = $70 था परचेज जब मैंने किया था, ठीक है ना, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब जब मैं सेल कर रहा हूं सारे के सारे शेयर्स, 1,000 शेयर्स मैंने सेल कर दिए सेम रेट पे, मतलब 20 लाख रुपए में इंडियन करेंसी में, बट उस समय 1 USD = 65 है, तो बताओ What is my capital gain? चलो यहाँ पे foreign currency में investment हुआ है तो आपको foreign currency में capital gain निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी generally अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फायदा कितना हुआ है, देखो 20 लाख का मैंने purchase किया था और 20 लाख का ही मैं sale कर रहा हूँ, कल और बताऊंगा, वैसे थोड़ा fast बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक video से connect करवा दूँ आपका, ठीक है, या आप कल ही दिखाएंगे यार, छोड़ो कल ही दिखाऊंगे, अभी दिखा दूँ, चलो आज ही दिखा देता हूं ताकि कंसेप्ट तो मजबूत हो तुम्हारा, कल और बताऊंगा। 20 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ रिटर्न नहीं मिला, 20 लाख का 20 लाख ही पड़ा है, कोई वैल्यू में एप्रिशिएशन नहीं हुआ, कोई वैल्यू में एप्रिशिएशन नहीं हुआ, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, ये तो एक एग्जाम्पल है यार, कोई हजम
सर हर दिन रुपी की वैल्यू तो कम हो रही है तो फॉरेन इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ये राहुल का जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कल दूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। भाई साहब इंडिया में बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है उनको, अगर वो का वही पैसा $1,00,000 मान लो, ₹1 करोड़ अगर फॉरेनर अपने अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे उसे क्या मिलेगा ब्याज में? 1% ब्याज, 1.5% ब्याज। अपने यहाँ पे कितना मिलता है? 7%, 8%, 10%। और इक्विटी मार्केट में रिटर्न कितना तगड़ा मिलता है? 15%। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो अभी मैं आपको यहां पे लेके जा रहा हूं, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया शेयर, मान लो रिलायंस के शेयर्स में किया, रिलायंस के शेयर वैसे ही ऐसे ही चलते हैं तो 20 लाख का 20 लाख ही है, कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसको गेन हो गया 20 लाख अपॉन 65। जब इन्वेस्टमेंट किया था 20 लाख अपॉन 70 की रेट में इसने इन्वेस्टमेंट जो किया था 28571.42 USD का इन्वेस्टमेंट किया था। अब जो विड्रॉ कर रहा है वो इस इन्वेस्टमेंट को, तो कितने लेके जा रहा है? 20 लाख अपॉन 65, 30769.23 USD लेके जा रहा है। एक प्रकार से ये प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रुपया मजबूत होने के कारण से प्रॉफिट हो रहा है। चलो अब एक वीडियो देख लो, इसको मैं वापस कल समझाऊंगा लेकिन अभी एक वीडियो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया तुम्हें ताकि फटाफट से मामला तुम्हारा सेट हो। एक वीडियो देखो फटाफट से। Hello. Hey Bharat, I'm in India. Yeah. So can we meet tomorrow? Sure, of course, why not? So you are in Pune, right? Yeah, right. Oh, sure, we'll meet tomorrow. I'll send them my address. Okay. Thank you. Hey, hi Gaiko. Hey Bharat. Hey, how are you? I'm good. How are you? Good. Welcome to India. Thank you so much. Yes. So Bharat, actually I have some investment in bonds in India. Right. So what's the current status? Okay. So that time we have invested around 4 lakh USD, right? Yes, right. So that time the currency rate was 75. So we have invested 75 lakh rupees. Yes. Right. So the bond price was 10,000 rupees. So we have bought around 750 bonds. Right. So now the status is the rates of the bonds are the same, 10,000, yeah, right, per right. bond. And if you will withdraw the amount, then the because of the exchange rate, current rupee has been appreciated, right? Yeah. Earlier, the rupee's rate was 75 per USD. And today, the USD rate is 70 per USD. Okay. Right? So rupee has been appreciated. So if you will withdraw the amount, then you will get around 1,07,000 USD. Okay. So you will get more, 7,000 USD more as compared to your investment. 7,000, is it taxable? No. It will not be taxable because this gain, because of the exchange rate. Rupee has been appreciated, right? Okay. As per Proviso 5, if you invested 1 lakh rupees and if you are getting more than your invested amount because of the exchange rate, right? Okay. Then it will get ignored. Okay. So this 7,000 will not be taxable. Okay. अच्छा सॉरी। तो अभी आपने देख लिया है, कल मैं आपको वापस से बताऊंगा इस प्रोविजन को, जस्ट एक ग्लिम्स है। बॉन्ड्स के लिए है ये जो प्रोविजो 5 लाया गया है, ओनली फॉर द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। चलो कल देखेंगे इसे, ठीक है। चलो ओके बाय। एक ग्लिम्स दे दिया ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि बॉन्ड्स के केस में जो रुपी एप्रिशिएट होने के कारण जो टैक्स जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये प्रोविजो 5 बोलता है। मैं बताऊंगा कल, ढंग से समझाऊंगा आपको। चलो ओके बाय। क्या सुन के अच्छा लगा राहुल? ओके बाय।